हाँ जी दोस्तों, सब तो पहला स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल ते। तुहानू मेरे वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों हुणी हुणी एक बहुत वड्डी खबर आ रही है। वीडियो शुरू करन तो पहला तुहानू एक छोटी जी बेनती कि वीडियो नू वध तो वध शेयर कर दो। दोस्तों जेकर गल की जाए तो देश के अंदर इस समय कई तरह के हालात चल रहे हैं जिन्हों के संबंध में वक् वक् लोग अपने बयान दर्ज करवाते रहते हैं, जिथे कुछ लोग इन मामलों के संबंध में खुल के अपनी गल पूरे देश अगे रखते हैं। उत्थे ही कुछ लोग विरोध प्रदर्शन के जरिए अपने हकों की राखी लिए बीते कई महीनों तो रोस प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के बहुत सारे वड्डे सियासतदानों वालों भी इन मामलों के संबंध में अपने बयान दिए गए हैं। इन सियासतदानों विचों ही पंजाब के सबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी दो अहम मुद्दों उपर गलबात करते हुए अपने विचार पेश किए हैं। इस दौरान उन्होंने किसान अंदोलन को हल्लाशेरी देते हुए आख्या कि केंद्र सरकार ने जिन्हों वास्ते कानून बनाए हैं वह लोग ही ये कानून का सख्ती नाल विरोध कर रहे हैं। अगां गल करते हुए बादल जी ने आख्या कि जदों देश के किसान इन कानूनों के खिलाफ बना कोई सवाल ही नहीं बनता। उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन काल दौरान जमीन जुड़िया इन्ना शांत और विशाल संघर्ष नहीं वेख्या। देश विच वध रहा पेट्रोल डीजल रसोई गैस दीआं कीमतां दे संबंध विच गल करदे होए उन्होंने आख्या कि जिथे बाहरले देशों विच तेल पदार्थ सस्ते हो रहे हैं उत्थे ही लोगों की आर्थिक हालत सुधर रही है। इस दे उल्ट भारत सरकार वालों देश विच तेल पदार्थों नूं वधा के लोगों की माली हालत नूं लगातार कमजोर किया जा रहा है। जिक्र योग है कि साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल कोरोना वायरस की इन्फेक्शन के चलते हुए और डॉक्टरों की हिदायतों के मुताबक अपने घर में ही रह रहे हैं। वह वीरवार को काफ़ी समय बाद घरों बाहर निकले सन। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली बार ताज़ा जानकारी नाल। साडे चैनल सबसक्राइब कर लो ताजो तुहानू हर एक अपडेट सब तो पहला मिले।